हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आप लोग के अहमद के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इंशाल्लाह इस वीडियो को फेसबुक लाइव प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले वीडियोस पे आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लॉक का ऑप्शन किस तरह यूज करवा सकते हैं, यानी किस तरह आप लोग अपना अकाउंट लॉक करवा सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो को ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने अपना फेसबुक प्रोफाइल में से लॉक का ऑप्शन किस तरह खत्म करवाने, क्योंकि आप में से ज्यादातर यूजर को ये तो पता है कि हम किस तरह अपने अकाउंट पे लॉक का ऑप्शन यूज करवा सकते हैं, किस तरह इनेबल करवा सकते हैं। लेकिन जब वो चाहे कि हम अपने अकाउंट को अनलॉक करें तो फिर उसको ये नहीं पता कि हमने किस तरह अपने अकाउंट को अनलॉक करवाने। तो आज के शुरू को ये बताने वाला हूँ कि किस तरह आप लोगों ने अपना फेसबुक प्रोफाइल अनलॉक करवाने। तो चलिए मजीद टाइम गुजरे के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे कहते हैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं साइम स्टूडियो। दोस्तों जैसे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग के लिए अपना फेसबुक ऐप ओपन करवा के इस पर अपना अकाउंट लॉगिन करवा देता हूँ। और जैसे ही मेरे पास मेरा अकाउंट लॉगिन हो तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह अपना प्रोफाइल अनलॉक करवानी है। यहाँ पे आप लोग को टॉप राइट कॉर्नर पे आप लोग को मैसेंजर का आइकान के नीचे आपका प्रोफाइल फोटो मिलेगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को आपका प्रोफाइल और आपका नाम मिल जाएगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते कि मेरे प्रोफाइल पे एड टू स्टोरी एडिट प्रोफाइल के नीचे यू लॉक योर प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा कि मैंने ये वाला प्रोफाइल अपना लॉक किया हुआ है। लोग इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग अपना प्रोफाइल अनलॉक करवा सकते हैं। अगर आप लोग को ये वाला ऑप्शन उधर पे नहीं मिला तो फिर अगेन आप लोगों को थ्री डॉटेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को व्यू एस के नीचे अनलॉक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलता है कि यू लॉक योर प्रोफाइल यू और फोटोज एंड पोस्ट आर मोर प्राइवेट। जब आप लोग अपना प्रोफाइल लॉक करवाए तो आपका जो फोटोज और पोस्ट है मोर प्राइवेट होता है। अनलॉक लर्न मोर का अगर आप लोग और देखना चाहें तो भी आप लोग लर्न मोर पे क्लिक कीजिए। अब जब अगर आप लोग इसको अनलॉक करेंगे तो आपके जो पोस्ट वो और जो फोटोज़ वगैरह है ये बाकी यूज़र भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपका प्रोफाइल फोटो कवर फोटो भी और भी लोग देख सकते हैं और आपको और भी लोग ज़्यादा सर्च करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसको अनलॉक करवाएं तो आप लोगों ने सिंपली अनलॉक पर क्लिक करना है और इसके नीचे इस तरह का बता रहा है कि आपने ये वाला प्रोफाइल उस टाइम पे लॉक किया था और अब इसको आप लोग अनलॉक करने वाले हैं और जो प्राइवेसी सेटिंग आपने की थी चेंजिंग, ये लॉकिंग के बाद आपके प्रोफाइल पे उसी तरह रहेगा। नीचे अनलॉक योर प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग इस पर क्लिक कीजिए। और जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते यहाँ पर बता रहे कि यू अनलॉक योर प्रोफाइल मोर पीपल मे सी द फोटोज पोस्ट एंड स्टोरी ऑन योर प्रोफाइल, ओके पे क्लिक कीजिए। और अब यहाँ पे आप लोग का प्रोफाइल यहाँ से अनलॉक कर दिया जाएगा। यहाँ पे फिर भी आप लोग को यू लॉक योर प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, बट जैसे ही आप लोग अपना एप्लीकेशन क्लोज करवाते और इसको दोबारा पे रीओपन करवाए तो फिर आप लोग को ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए मैं इसको क्लोज करवा के दोबारा पे रीओपन करवा ताकि मुझे ये वाला ऑप्शन मिलने वाला है कि नहीं। तो इसके लिए अगेन मैं अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करवा के अपने प्रोफाइल पर जाता हूँ। मैसेंजर के आइकान के नीचे अपने प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करूंगा और इसके बाद अपने प्रोफाइल पे जाके अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ऐड टू स्टोरी एडिट प्रोफाइल के नीचे अब लॉक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी अब मेरा प्रोफाइल यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोग अपना फेसबुक प्रोफाइल लॉक या अनलॉक करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के सुनो को ये सिखा दिया कि आप लोगों ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में से लॉक का ऑप्शन किस तरह खत्म करवानी, यानी अपना फेसबुक प्रोफाइल किस तरह अनलॉक करवानी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी तरह समझ में होगा। फिर भी वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज और देखते रहिए साइम स्टूडियो को।